हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। भाई इतनी सारी साइकिल्स खड़ी हुई है, जब भी बात करते हैं कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, पीपल ऑलवेज टेल यू टू बाय अ गियर साइकिल। गियर साइकिल ले लो, लंबे जा रहे हो गियर साइकिल ले लो, 17,000-18,000 की साइकिल ले लो गियर साइकिल ले लो, ये साइकिल नहीं पसंद आ रही वो ले लो क्योंकि वो उसमें गियर है। गियर साइकिल इज़ ऑलवेज बेटर दैन नॉन गियर साइकिल। भाई मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली अबाउट दैट, गियर साइकिल्स क्यों आपको नहीं लेनी चाहिए, बट Why should you buy a non-gear cycle, people? Non-gear cycle के क्या advantages होते हैं? Why should you buy a non-gear cycle, irrespective of gear cycles in the market? इतनी सारी cycles है, उसमें से क्यों एक इंसान gear cycle को choose ना करे, but either go for a non-gear cycle? Why should you put your money in it, people? Like, share, subscribe कर दो। पूरा वीडियो बहुत डिटेल में बनाने वाला है आज का हम। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो पीपल। बिफोर वी डाइव इनटू नॉन गियर साइकिल्स पीपल, गियर साइकिल देखो, ये गियर साइकिल यहाँ रखी हुई है। यहाँ पे इस तरह से कैस्केट लगा होता है, डिरेलर्स होते हैं नीचे, आप लोग ऊपर देखो गियर शिफ्टर्स दिए रहते हैं यहाँ पे। बट अगर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं भाई, तो मैंने अपने लिए प्रिपेयर की है एक नॉन गियर साइकिल ताकि डिटेलिंग में बात हो पाए। ये है नॉन गियर साइकिल, नॉर्मल हैंडल्स दिए गए होते हैं, नॉर्मल इस तरह से ही होता है। चेन वेन अगर आप लोग देखो यहाँ से, तो भाई चेन में कोई कैस्केट मतलब सिंगल स्पीड ही होती है, सिंगल चेन लगी होती है जो सेम स्पीड पे, आई मीन डिपेंड्स आप कितना फास्ट कर रहे हो कितना नहीं। नाउ व्हाई शुड यू बाय अ नॉन गियर साइकिल पीपल, इज क्लियरली बिकॉज द फर्स्ट रीज़न आई विल टेल यू इज कॉस्ट इफेक्टिव। भाई कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती पड़ जाती है। जहाँ एक अच्छी गियर साइकिल लेने जाओगे इट्स कॉस्ट यू अराउंड सम 16,000-17,000, पर वहीं एक अच्छी नॉन गियर साइकिल लेने जाओ तो 10,000-11,000 में आपके लिए 27.5 इंच की एक सही साइकिल आ जाती है। कॉस्ट से बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब खरीदने जाते हो, तो 11,000 की एक नॉन गियर साइकिल और 18,000 की एक गियर साइकिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। गियर साइकिल आपके पैसे लिटरली बचाते हैं, चाहे वाइल यू गोइंग एंड राइडिंग इट, चाहे व्हेन यू आर कमिंग टू बाय इट। सस्ते से ही मतलब ये नहीं कि ख़राब है, लेकिन क्योंकि कोई कोई गियर साइकिल्स में अपन कितने सारे फीचर्स देखते हैं, बट नॉन गियर साइकिल्स में कैसा होता है, फीचर्स सारे दिए गए होते हैं, गियर्स नहीं होते, डेरेलस पे पैसे बच जाते हैं, कभी कभी फोक्स पे भी पैसे बच जाते हैं, रिजिड फोक्स होते हैं ऐसे शॉकअप्स वाले नहीं होते हैं, किसी किसी में पावर ब्रेक्स दिए गए होते हैं इसके अंदर, जैसे डिस्क ब्रेक्स दिए गए, किसी किसी में पावर ब्रेक्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पर पैसे बहुत सारे बचा सकते हो जब आप लोग एक नॉन गियर साइकिल लेते हो। और क्यों ना यार, अगर आप एक बिगिनर हो और समवन हु जस्ट वांट्स टू इंस्टॉल अ नॉन गियर साइकिल इन योर लाइफ एज अ स्पोर्टिंग इवेंट ही अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो करने के लिए, तो गियर साइकिल मत लो, नॉन गियर साइकिल के साथ स्टार्ट करो। सेकेंड रीज़न, जहाँ ईजी टू राइड हो जाती है साइकिल, इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू राइड बाई, बहुत सिंपल है। यू नो बच्चों को जब हम साइकिल सिखाते हैं तो सबसे पहले भाई नॉन गियर साइकिल पे ही बिठाया जाता है। गियर साइकिल पे कोई बच्चा, हमने आज तक गियर साइकिल पे किसी को साइकिल सीखते हुए नहीं देखा, बिकॉज इट इज़ ईजी टू राइड। सीनियर सिटीजन जितने हो गए, हमारे जितने लेडीज़ हो जाती हैं, नॉर्मल पीपल हु आर गेटिंग इन टू द यू नो द फैशन ऑफ स्पोर्ट्स, द फैशन ऑफ साइकिलिंग, जिन लोगों को पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा भाई कोई वीक है कुछ है ऐसा नहीं है, बट पीपल लाइक टू हैव एन ईजी स्टार्ट। जब कोई एक साइकिल में कूदना चाहता है साइकिलिंग इंडस्ट्री में, साइकिलिंग के पैशन में जब कोई कूदता है तो चाहता है कि भाई मैं पूरी तरह से इंजॉय करूँ, ईजी टू राइड हो जाती है क्योंकि भाई गियर्स कोई है नहीं, आप चुपचाप बैठ जाओ साइकिल के ऊपर, इस तरह से स्टैंड ऊपर कर लिया और आप चलते बनो, कुछ करना नहीं, कुछ आपको गियर्स सेट नहीं करने, कहीं शिफ्ट नहीं करने, कोई शिफ्टर्स का ख्याल नहीं रखना, कोई डिरेलर्स नहीं है, कोई आपको इस तरह से नहीं सोचना कि भाई मैं अभी हाई टेरेन पे जा रहा हूँ तो गियर कम कर लेता हूँ, या अगर सीधी रोड है तो फिर मैं गियर बढ़ा लेता हूँ, वो सबकी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको पेडल करना है एक रेवोल्यूशन, एक प्रॉपर रोटेशन में, जितना आप पेडल करोगे उतनी स्पीड होगी, जितना तेज़ी से पेडल करोगे उतना फास्ट, जितना स्लो पेडल करोगे उतना स्लो, सिंपल सी बात है, उसमें इतने ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं। बस ये हो जाता है कि जब कोई स्टार्ट करता है साइकिलिंग, इवन एट द एज ऑफ 65 पीपल डू इट, इवन वेमेन हाउसवाइफ जो होती है जो एक एक्टिविटी ढूंढती है अपने घर वर से निकल के कुछ करने के लिए, दे ऑल गो एंड बाय अ नॉन गियर साइकिल बिकॉज पीपल एक्चुअली वॉन्ट कि मैं ईजिली ये चीज़ के अंदर फिट इन हो जाओ, क्योंकि दे रियली वॉन्ट टू डू इट। गियर साइकिल्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है जो नए लोग होते हैं, सो फॉर बिगिनर्स एक्सट्रीमली बिगिनर्स एक नॉन गियर साइकिल बेस्ट हो जाती है। द नेक्स्ट रीज़न वाई यू शुड बाय अ नॉन गियर साइकिल इज़ इट हैज़ अ इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव लो मेंटेनेंस कॉस्ट।
मैं बताता हूँ, देखो जब आप खरीदने जाते हो ना साइकिल, 18,000 रुपये की गियर साइकिल खरीद ली, फिर आप एक प्लान देते हैं जितने भी सर्विसिंग वाले शॉप्स वाले डिकैथलॉन में, जितने भी सारे स्पोर्ट्स बेसिकली जो साइकिल्स बेचते हैं स्पोर्ट्स शॉप वाले, आपको प्लान देते हैं 1,000-1,500, 3 महीने करा लेना, 6 महीने करा लेना, ये सब कर करके मोटा मोटी पकड़ो 20,000 रुपये आपके तुरंत 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 चले गए। अब जब एक नॉन गियर साइकिल लेते हो ना, तब ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। नॉन गियर साइकिल में पहले तो आप समझ लो आपने 10,000 की नॉन गियर साइकिल खरीदी, सर्विसिंग में आपको लिटरली बता दो क्या होता है सर्विसिंग में, कुछ नहीं होते, लुब्रिकेशन होते हैं सारे, ब्रेक वेक जहाँ पे पेडल के यहाँ होते हैं, ब्रेक्स के इधर होते हैं, आगे फोक्स के इधर होते हैं अगर आपके रिजिड फोक्स नहीं है, अगर आपके शॉकअप्स हैं शॉकअप्स पे होती है, साफ सफाई होती है साइकिलिंग की जो होती है, थोड़ी बहुत पॉलिशिंग वॉलिशिंग हो जाती है अगर रस्टिंग चली जाती है आपकी साइकिल की, तो थोड़े बहुत आपकी चेन के ऊपर ऑयलिंग हो जाती है सही से, बढ़िया पेडल्स के यहाँ पे हो जाती है, सीट वीट अच्छी तरह वॉश कर देते, पूरी साइकिल चमका के आपको दे देते, बस उतना ही। जो एक कहते हैं ना हमारी जो रेगुलर रूटीन सर्विस में भी आपकी मेंटेनेंस आपकी जो नॉन गियर साइकिल की है ना वो इजीली हो जाती है, उसमें इतने ज़्यादा सोचने का फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक आपने 2 महीने साइकिल नहीं चलाई, आपको उठा के साइकिल सर्विसिंग पे डालनी, आप डाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 500-600 रुपये। एंड पीपल हु आर गुड एट साइकिलिंग एंड नो द बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट है एज अ साइकिल, इफ़ यू सी इट एज अ मशीन, वो तो घर पर खुद कर लेते हैं यहाँ सर्विसिंग, तो उस मामले में नॉन गियर साइकिल इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एनीवन। क्योंकि भाई क्या होता है ना कि साइकिल ले ली पर सर्विसिंग जितनी साइकिल खाती ना, हमने हमारी साइकिल बहुत सर्विस कराई, बारिश में अलग सर्विसिंग, गर्मी में 2 महीना नहीं चलाई तो अलग सर्विसिंग, ठंडी में 1 महीना नहीं चलाई तो वापस सर्विसिंग, टू गेट द साइकिल बैक इनटू एक्शन यू ऑलवेज नीड टू सर्विस इट। तो जो लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना वो ऐसे हो जाता है कि यार 4 सर्विस करा ली ना अगर आपने, ऐसे लगता है 800 रुपये भर दिया आपने, 4 सर्विसिंग करा ली, 3,200 की तो आपने सर्विसिंग करा ली, तो ऐसा माइंडसेट चलता है कि भाई 3,200 सर्विसिंग में डालने से अच्छा नई साइकिल ले लो, 6,000 रुपये डाल के 10,000 में नई साइकिल आ जाएगी। तो ये इस तरह का माइंडसेट भी अपने देश में चलता है, अपना जो देश है वो थोड़ा अलग देश है, कहाँ 3,000 रुपये सर्विसिंग में डालने से ऐसा बोल देंगे कि नई साइकिल लो, लेकिन नई साइकिल होगी तो उसकी भी तो सर्विसिंग करनी पड़ेगी ना यार। तो वो टाइम पे नॉन गियर साइकिल ये सारे जो बैरियर्स होते हैं ना उसके बीच में एक मीडियम की तरह एक एक्ट करता है, जो तगड़ी चीज़ हो जाती है एक तरह से अगर आप एक लॉन्ग टर्म में सोचते हो तो। द लास्ट रीजन टू बाय अ नॉन गियर साइकिल इज बिकॉज यू हैव लिमिटेशंस इन योर राइडिंग, मतलब ये कि भाई डिफरेंट टेरेन्स पे नहीं जा रहे हो, अपने सोसाइटी में चलानी है, अपने एरिया में कॉलोनीज में चलानी है, अपने एरियाज में ज़्यादातर अगर चला दो तो भाई नॉन गियर साइकिल बेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपके टेरेन्स में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, सीधे सीधे चलना है। एक गियर साइकिल तब ली जाती है जब आप लंबा जाते हो, जब आप चढ़ाई पे जाते हो, थोड़ा ऑफ रोड पे जाते हो। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, यहाँ पे इतनी सारी साइकिल्स है, यहाँ पे आओ, ये देखो हीरो इलेक्ट्रो की एक साइकिल है, नॉन गियर साइकिल है दोस्त, ये बिल्कुल नॉन गियर है। अब इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी तो यार आप लोग को लगता होगा लंबे जाने के लिए जो है, बट इलेक्ट्रिक साइकिल्स में भी नॉन गियर आता है। सी यहाँ पे ये तो इसका जो मीटर है वो लगा हुआ है, बट यू विल सी नो गियर शिफ्टर्स हियर, यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ कैस्केट ओवर देयर, नथिंग, सिर्फ एक भाई नॉर्मल सिंगल स्पीड चेन लगी है अपनी। वो इसलिए लगी है भाई क्योंकि लिमिटेशंस इन राइडिंग, जो राइडर्स होते हैं जो साइकिल चलाते हैं उनकी अपनी इच्छाएं होती है, अपनी नीड होती है, अपनी डिज़ायर होती है कहाँ साइकिल लेके जाए, कितनी दूर तक लेके जा सकते हैं। गियर साइकिल जितनी दूर चाहे उतनी दूर ले जाओ, नॉन गियर साइकिल लेकिन अगर आप लोग इतने ज़्यादा नहीं दूर जाना चाहते हो, नहीं है उतना आपके अंदर कैलिबर, सही बात है यार, कोई बात नहीं, अपने एरिया में 4 किलोमीटर चला के घर आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी अपनी नीड तो पूरी हो रही है ना भाई। तो अगर आपके राइड में लिमिटेशंस है तो फिर आप लोग एक नॉन गियर साइकिल लो। कितनी सारी साइकिल्स है, किसी में गियर है किसी में नहीं है, इलेक्ट्रिक साइकिल्स मैंने आपको दिखाई जिसके जो नॉन गियर है ऐसी बहुत है, पीछे पूरा स्टॉक लगा हुआ है भाई जितने हैं। तो क्या हो जाता है ना, आपको अपनी नीड पता होना ज़रूरी है, एंड इफ़ यू आर द पर्सन हु इज़ अ लिमिटेड राइडर, नॉन गियर से आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं। सी आई विल ऑलवेज बी अ नॉन गियर साइकिल पर्सन पर्सनली, क्योंकि मैंने भी साइकिल नॉन गियर ही चलाई है। द रीज़न आई विल टेल यू, बिकॉज नॉन गियर साइकिल्स ईजी टू राइड, हमने पहले रीज़न में बात की, बट यू कैन राइड इट एट योर ओन स्पीड यार, आप अपनी मर्जी से चला सकते हो, ईजी है, सिंपल है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, गियर शिफ्टिंग की कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको अपने गियर्स ठीक करवाने हैं, टूट रहे हैं, गियर शिफ्टर ख़राब हो गया, ज़्यादा जोर से खींच दिया, वो सारी कोई तकलीफें हैं नहीं यार। तो बेसिकली यार सिंपल हो जाता है, जितनी आपकी साइकिलिंग आप अपने मन में सिंपल, नॉन कॉम्प्लेक्स और कम्फर्टेबल बनाओ उतना आप लोगों के लिए ही बेटर रहता है। दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मुझे बताना, देखो ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़
बनाता रहूँगा मैं, इतनी सारी साइकिल्स है भाई। शौर्य साइकिल्स की कृपा है भाई, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी शूट इन योर शॉप। इतनी सारी साइकिल्स देख रहे हो सारी शौर्य साइकिल्स के, डू नॉट वरी, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलना लो सर ये साइकिल का रिव्यू कर दो, सर वो ग्रीन वाली साइकिल, सर ये ब्लू वाली साइकिल, भैया ये ब्लैक वाली साइकिल, सबका रिव्यू करेंगे यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा तो भाई अपने को मोटिवेशन आता नहीं है, तो आप हमें भी मोटिवेट कर दिया करो ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और लाते रहे भाई। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल पीपल, थॉटफुल प्रोसेस से मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि यार पर्सनल क्या देखो वीडियोस बनते भी हैं तो यार पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, जो हम फील करते हैं, जो इतने चला वाला के हमें जो लगता है, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी भी याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ कर दिया करो, दोस्तों को बोलो, घर वालों को बोलो, सबको बोल दिया करो। एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।